Hello everyone, this is your friend and host Vivek again and you're watching Vivo's Water Vlogs. So welcome back to my show again. आज हम review करेंगे सियाज. जी हाँ, बहुत ही handsome लगती है आगे से देखने में. पीछे से हालांकि थोड़ा सा city जैसा आपको implement नजर आएगा इसके अंदर. मैं फिर से हूँ अभिषेक जी के साथ में और ये है relationship manager Nexa sector 63 Noida के. तो अभिषेक जी, मेरे ख्याल से ये सेकंड रिव्यूइंग वीडियो है आपके साथ में. पहले वाली भी हमने बलिनो आरसी की थी जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रही वीडियो. आज हम सीएस की करने जा रहे हैं रिव्यूइंग वीडियो और प्रॉपर रिव्यू वीडियो ये रहेगा. आप देखते रहिए क्योंकि मैं इसमें ड्राइवेबिलिटी स्किल्स, इंजन स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स, गाड़ी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, स्पेसिंग और बूट के बारे में बात करेंगे. टायर्स कौन कौन से दिए गए हैं और क्या क्या आपको एप्लीकेशंस इसमें लगानी चाहिए. तो आइए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं कि क्या क्या नया है सियाज में और हमें कैसे इस गाड़ी को एक्सेप्ट किया है. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीवूज ऑटो व्लॉग्स. सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ताकि आप रहें ऑटोमोबाइल की दुनिया से अपडेट और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आप देख सके मेरी वीडियो सबसे पहले. सो हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट एंड से. तो फ्रंट एंड पे एक काफी अच्छी आपको ग्रिल मिलेगी जिसमें कि पूरा क्रोम इंस्पायर्ड ग्रिल है. फोर स्पोक्स यहाँ पे मिल जाते हैं और सुजुकी का लोगो भी. अगर मैं बात करूँ इसके हेडलैम्प्स की तो हेडलैम्प्स में आपको DRLs नहीं नजर आएंगे, आपको यहाँ पे DRLs नहीं मिलते हैं. लेकिन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आपको शायद अट्रैक्ट कर सकता है. कॉर्नरिंग लैम्प भी यहाँ पे दिया गया है और अगर मैं नीचे चलूँ तो यहाँ पे फॉग लैम्प्स दिए गए हैं. फॉग लैम्प्स के अंदर आपको हनीकॉम स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, यानी कि सिंपल फॉग लैम्प्स ही आपको यहाँ पे दिए गए हैं. अगर फ्रंट एंड से हम देखें तो आपको स्मूथ एंड राउंड नोज नजर आएगी इसकी, जो कि काफी अच्छी लगती है. यानी कि एरोडायनामिकली भी बहुत अच्छा बिहेव करेगी इसकी वजह से. राउंड फॉग लैम्प्स दिए गए हैं वो मैंने आपको बता ही दिया था. ओवरऑल गाड़ी का फ्रंट लुक काफी शानदार है, आपको मजा आएगा देखने में. अब बात करते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल की. तो यहाँ पे अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो 4490 mm की लेंथ इसे दी गई है और विड्थ 1730 mm का दिया गया है. हालांकि हाइट यहाँ पे 1485 है. व्हील बेस की अगर मैं बात करूँ तो व्हील बेस 2650 mm का दिया गया है और ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm की दी गई है. कर्व वेट यानी कि वो वेट जो गाड़ी में एक्सक्लूडिंग पैसेंजर रहता है वो है इसका 1010 kg पेट्रोल वेरिएंट का. और अगर मैं डीजल वेरिएंट की बात करूं तो यही 100 kg बढ़ के हो जाता है 1105 kg की. गाड़ी के साइड प्रोफाइल पे दिया गया है ORVM जिसको आप इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल कर सकते हैं और इसमें इंटीग्रेटेड LEDs और इंडिकेटर भी दिया गया है. अगर मैं बात करूँ इसके व्हील की तो यहाँ पे व्हील आपको मिलेगा 195 mm का और अगर मैं रिम साइज की बात करूं तो 16 इंचेस के रिम आपको यहां पे मिल जाते हैं. सो ओवरऑल इसके व्हील का साइज है 195/55R16. यहां पे दी गई है गाड़ी की कैरेक्टर लाइन, तो कैरेक्टर लाइन काफी अच्छी लगती है और आपको कीलेस एंट्री एंड गो का ऑप्शन भी इस गाड़ी में अवेलेबल है. ओवरऑल अगर मैं साइड की प्रोफाइल की बात करूँ तो मुझे गाड़ी ये काफी पसंद आई. अब बात करते हैं गाड़ी के बैक प्रोफाइल की. तो बैक प्रोफाइल में अगर आप यहाँ पे LEDs टेल लैम्प को देखेंगे या ब्रेक लाइट्स को देखेंगे वो काफी हद तक आपको होंडा सिटी से इंस्पायर्ड लगेगी. हालांकि होंडा सिटी और इसमें काफी अंतर है. सियाज का जो लोगो और एम्बलम दिया गया है वो स्मॉल लेटर्स में दिया गया है, यानी कि मारुति सुजुकी एकमात्र अपनी गाड़ी में स्मॉल लेटर्स का यूज करती है. स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ में ये आती है और सुजु का एम्बलम आपको यहाँ पे मिलेगा. क्योंकि ये टॉप एंड नहीं है तो आपको यहाँ पे स्पॉइलर भी नजर नहीं आएगा. गाड़ी के रियर एंड में आपको बॉटम में अगर नजर दौड़ाओगे तो 2 reflectors आपको यहाँ मिल जाते हैं. साथ में पार्क असिस्ट के लिए यहाँ पे सेंसर्स भी दिए गए हैं. तो 4 sensors जो कि काफी डिस्टेंटली अपार्टेड है इसलिए इनकी रेंज भी बढ़ जाती है. गाड़ी के ट्रंक में यूज किया गया क्रोम फिनिशिंग का जो इसको एक एडिक्वेट लुक देता है. विंडशील्ड पर ही आपका डिफॉगर्स अगर आपको नजर आ रहे हो तो हॉरिजॉन्टली दिए गए हैं और नेक्सा की यहाँ पर भी ब्रांडिंग की गई है. सो ओवरऑल अगर मैं रियर लुक की बात करूँ तो मुझे काफी पसंद आई पीछे से सियाज. एंड पर्सनली सेइंग ये मेरी सबसे फेवरेट सेडान है इस सेगमेंट में. सो करते हैं इसके की फॉब से स्टार्ट. तो की फॉब जो इसकी है वो काफी जेन्युइन है. हालांकि 2 buttons के अलावा, अनलॉक और अनलॉक के अलावा, आपको ट्रंक खोलने की भी या बूट खोलने की भी यहाँ पे एक बटन दिया गया है. सो सबसे पहले इंटीरियर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको डुअल स्पीकर्स मिल जाते हैं, यानी कि ये एंड एक ट्विटर का सेट और एक स्पीकर का सेट. इसके साथ साथ वुडन फिनिशिंग यहाँ पे दी गई है, आपको कम्प्लीटली डिफरेंट सेट नजर आएगा डिजायर से. और ORVM की कंट्रोल्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं. साथ में अगर नजर दौड़ाओगे तो आपको यहाँ पे
विंडोज और लॉक एंड अनलॉक ऑटोमेटिक विंडोज के स्विचेस भी यहाँ पे दी गए हैं। फ्रंट पैनल की अगर विंडो की बात करें तो यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर्स और मैगजीन होल्डर्स भी मिल जाते हैं। गाड़ी के सीटिंग अरेंजमेंट की बात करूँ तो कुशनिंग बहुत अच्छी तरीके से दी गई है, इंक्लिनेशन गाड़ी का काफी अच्छा है, और अगर सीटिंग पोजीशन की बात करूँ तो सिक्स वे एडजस्टेबल सीट्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप अपनी हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं। सो हालांकि मैनुअल है, ऑटोमेटिक नहीं है। अगर पेडल शिफ्ट्स की बात करूँ तो पेडल शिफ्ट्स यहाँ पे काफी डिस्टेंटेड अपार्ट है, और एक डेड पेडल भी दिया गया है जो कि ज्यादा इंक्लाइंड नहीं है। चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं कि इंग्रेस और ईग्रेस करने में कितनी प्रॉब्लम होती है। ज्यादा प्रॉब्लम मेरे को नहीं हुई है यहाँ पे। ड्राइवर के राइट साइड में ही आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलता है, साथ ही यहाँ पे आइडियल स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है, पार्क असिस्ट बटन दिया गया है, फॉग लैंप्स के बटन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, हेडलाइट बीम्स एडजस्टमेंट्स भी मिल जाता है। यहाँ पे आपको दिया गया है गाड़ी का ट्रंक खोलने का बटन। गाड़ी के स्टेयरिंग की अगर मैं बात करूँ तो राइट साइड में कम्प्लीटली डिमिनिश है, कुछ चीज यहाँ पे नहीं मिलेगी आपको, लेकिन लेफ्ट साइड में वॉल्यूम प्लस माइनस ट्रैक्स अगर आप ट्रैक चेंज करना चाहते हैं, मोड्स या फिर म्यूट का बटन आपको यहाँ पे मिल जाता है। गाड़ी के स्टेयरिंग के जस्ट नीचे यानी कि सेंटर के जस्ट नीचे आपको मिलेगा वॉइस रिकॉग्निशन का बटन, कॉल एंड और ड्रॉप का बटन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, साथ ही साथ बीच में हॉर्न मिलता है। और अगर मैं MID की बात करूँ तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर के जस्ट बीच में ही यहाँ पे MID मिल जाती है, जिसमें आउटसाइड का टेम्परेचर, एवरेज एंड रियल वर्ल्ड फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू MT और 2 ट्रिप मीटर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। गाड़ी का इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मुझे काफी हद तक पसंद आया, क्योंकि आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में 2 क्लस्टर्स मिलते हैं और राइट साइड में भी 2 क्लस्टर्स मिलते हैं, जिसमें कि टेम्परेचर गॉज सबसे छोटा, उसके बाद में टैकोमीटर, और राइट साइड में स्पीडोमीटर, और उसके बाद में फ्यूल गॉज आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। जो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर के सेटिंग्स के बटन है वो भी आपको यहाँ पे राइट और लेफ्ट साइड में दोनों तरफ दिए गए हैं। और अगर मैं AC वेंट्स की बात करूँ तो वही 4 AC वेंट्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम काफी अच्छी तरीके से प्लेस्ड है, 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पे आपको मिलता है, जो कि आता है एप्पल कारप्ले के साथ में, और ब्लूटूथ से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। मिरर लिंक की फैसिलिटी भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। आप अगर चाहते हैं कि अपना नेविगेशन यहाँ से ऑन करें तो आप नेविगेशन इस स्क्रीन पे अच्छा से कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ उसके सेंट्रल कंसोल के बॉटम पोर्शन की, तो सेंट्रल कंसोल के बॉटम पोर्शन में दिया गया है क्लाइमेट कंट्रोल, जो कि फुली ऑटोमेटिक है। अगर आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक पे ये रहे तो यहाँ से ऑटोमेटिक का बटन दबाइए और ये फुली ऑटोमेटिक मोड पे चले जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कंट्रोल्स की, तो बाकी कंट्रोल्स एयर कंडीशनिंग के दिए गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि ब्लोइंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से आप वॉल्यूम इंक्रीज और डाउन भी कर सकते हैं। ये टेम्परेचर गॉज है तो आप यहाँ से टेम्परेचर एयर कंडीशनिंग की चेक कर सकते हैं। अगर आपको डिफरेंट मोड चाहिए, डिफॉगर का, फ्रंट डिफॉगर का मोड चाहिए तो ये है फ्रंट डिफॉगर का मोड, और डिफरेंट डिफरेंट बटन यहाँ पे दिए गए हैं। इसके साथ अगर मैं बात करूँ तो कनेक्टिविटी की, तो यहाँ पर आपको 12 वोल्ट DC सप्लाई की कनेक्टिविटी मिल जाती है, साथ ही साथ आपको ऑक्स और USB का पोर्ट भी यहाँ पर दिए गए हैं। अब बात करते हैं गाड़ी के हैंड रेस्ट की, तो हैंड रेस्ट मेरे को काफी अच्छा लगा इसका, ज्यादा शॉर्ट नहीं है, और अगर यहाँ पे नजर दौड़ाए तो आपको छोटी सी कैविटी यहाँ पे मिलती है, साथ ही साथ पेन होल्डर एंड कार्ड होल्डर्स भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। पढ़ते हैं तो हैंड ब्रेक यहाँ पे दिया गया है जो कि काफी स्मूथ है, और उसकी नीचे छोटी कैविटी जैसे बलिनो में मिलती है आपको, वो यहाँ पर भी मिल जाएगी अपने फोन वगैरह या छोटी चीजें रखने के लिए। गियर शिफ्ट्स इसके काफी स्मूथ लगे मुझे जब मैंने ड्राइव किया था, और इसके बाद में बॉटल होल्डर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, 2 बॉटल या कैन होल्डर्स यू कैन से, छोटी कैविटी यहाँ पर भी दी गई है। बढ़ते हैं गाड़ी के ग्लव बॉक्स की ओर, तो काफी डिसेंट आपको यहाँ पे ग्लव बॉक्स मिल जाता है, हालांकि मैं इसको ज्यादा बड़ा नहीं कहूंगा, जो कि कूल्ड भी नहीं है एक्चुअली, कूल ग्लव बॉक्स आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। गाड़ी के रूफ में आपको रीडिंग लैंप्स दोनों तरफ दिए गए हैं, इसके साथ में रीडिंग लैंप्स के कंट्रोल्स भी यहाँ पे दिए गए हैं कि आप किस मोड पे उसको डालना चाहते हैं, और साथ साथ अपने ग्लव्स को यहाँ पे रखने के लिए सनग्लास होल्डर भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। बात करें सन वाइजर की, तो आपको यहाँ पे मिरर नहीं मिलेगा, हालांकि अपने इंश्योरेंस और कार के रजिस्ट्रेशन कार्ड वगैरह रखने के लिए यहाँ पे फ्लैप मिल जाता है। पैसेंजर सन वाइजर पे हालांकि आपको मिरर की फैसिलिटी दी गई है, और साथ ही साथ विजिटिंग कार्ड्स रखने के होल्डर्स भी यहाँ पे मिल जाते हैं आपको। अब चलते हैं CIS के रियर सीट पे, तो रियर सीट के जितने भी कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पे आपको माउंटेड नजर आएंगे। वुडन स्ट्रक्चर यहाँ पर भी आपको मिलता है जैसे फ्रंट पे मिलता है, साथ ही साथ क्लोमिंग की गई है इसके डोर ओपनर्स पे। इनग्रेस करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि अरे गजब, लेग रूम आपको काफी नजर आएगा यहाँ पे। मेरे को लेग रूम की कोई समस्या नहीं है, व्हील बेस की वजह से ही ये हुआ है। स्पेसिंग बहुत ज्यादा है, आप बहुत कंफर्टेबली बैठ सकते हैं यहाँ पर, तो लेग रूम मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे आपको कोई भी लेग रूम की प्रॉब्लम नहीं आएगी।
साथ ही अगर मैं हेडरूम की बात करूं तो यहां पे शायद आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मैं 5 फुट 10 इंच का हूं और इससे ज्यादा अगर आपकी हाइट है तो यहां आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हेडरूम थोड़ा सा कम दिया गया गाड़ी में। अगर ये 2 इंच और ऊपर होता तो मजे की बात होती। गाड़ी के रियर सीट में ही आपको मिल जाता है 12 वोल्ट का डीसी सप्लाई, साथ ही साथ यहाँ पे 2 AC वेंट्स भी दिए गए हैं जिसको आप यहीं से मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हैं, और यहाँ पे एक कार्ड होल्डर या फिर यू कैन से छोटी सी कैविटी आपको यहाँ पे मिल जाती है। अंदर थाई सपोर्ट मेरे को थोड़ा सा कम नजर आया, हल्का सा, अगर थोड़ा सा ज्यादा होता तो मजा आ जाता। बात करते हैं अब रियर के हैंड रेस्ट की, तो यहाँ पे हैंड रेस्ट जो है वो काफी स्मूथ है, वो काफी अच्छा दिया गया है, और आप यहाँ पे 2 होल्डर्स यहाँ पे दिए गए हैं ताकि आप अपने कप्स या कैंस को यहाँ पे प्रॉपरली रख सकें। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ हेड रिस्ट्रेंट्स की तो वो भी फिक्स्ड हैं, वो यहाँ पे मूवेबल नहीं मिलते हैं आपको टॉप एंड में भी, आइसोफिक्स। रियर की विंडस्क्रीन पे आपको यहाँ पे सनशेड भी मिल जाता है जिसे आप मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हैं। आते हैं गाड़ी के बूट के अंदर और देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। यहाँ पर आपको नजर आएगा वही कीलेस एंट्री के बटन्स, हालांकि इंसुलेशन आपको यहाँ पे नजर नहीं आएगा, तो क्लैडिंग नहीं दी गई है, ये थोड़ा डिसअपॉइंट आपको कर सकता है क्योंकि सभी चीज ओपन है यहाँ पे। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। 510 लीटर्स की इसकी बूट कैपेसिटी है जो कि बहुत शानदार है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हर्ट्ज के स्पीकर्स क्योंकि लगवाए गए हैं तो आप यहाँ पे एज एन एसेसरी इसको लगवा सकते हैं, बट ओवरऑल अगर मैं बूट स्पेस की बात करूँ तो काफ़ी मुझे अच्छी लगी। 510 लीटर का बूट मिलता है आपको यहाँ पे, और जो कि कंपेरेबल है होंडा सिटी से, हालांकि वरना का यहाँ पे 485 का ही आपको बूट स्पेस मिलता है, लेकिन इसके कंपैरिजन की बात करूँ तो काफ़ी शानदार। अब बात करते हैं गाड़ी के इंजन की, और यहाँ पे 1.3 लीटर DDIS इंजन मैं चला रहा हूँ जो प्रोड्यूस करता है 89 BHP की पावर 4000 RPM पे और 200 Nm का टॉर्क 1750 RPM पे। तो DDIS इंजन इसका फिएट बनाता है सभी को पता, और काफी रिफाइंड इंजन है अगर मैं बात करूं तो। इसके अलावा अगर पेट्रोल इंजन की मैं बात करूं तो 1.4 लीटर का पेट्रोल इंजन वहां पे यूज किया गया जो चर्न आउट करता है 91 BHP की पावर 6000 RPM पे और 130 Nm का टॉर्क 4000 RPM पे। तो ओवरऑल उसकी परफॉर्मेंस भी काफी सही है, लेकिन GST के बाद में डीजल वेरिएंट की जो सेल्स है वो काफ़ी हद तक डिक्रीज हुई है, क्योंकि GST के बाद ये गाड़ी हो गई थी महंगी, 2.25 लाख रुपए का अंतर था दोनों गाड़ियों के टॉप एंड में। सो गाइज अब एक छोटी सी ड्राइविंग स्किल्स नाप लेते हैं इस गाड़ी की, कि मेरा कैसा इंप्रेशन पड़ेगा ड्राइविंग की अगर मैं बात करूँ तो। जो इनिशियल पिकअप है वो थोड़ा सा इंप्रेसिव लगा, क्यों? क्योंकि इसका 1800 RPM पर ही टर्बो जो है वो एक्टिवेट हो गया, जो कि काफी अच्छी बात है। सो इनिशियल पिकअप के मामले में थोड़ा सा आपको लैग तो लगेगा, ऑब्वियसली डीजल इंजन है, लेकिन जब वो रेव करना स्टार्ट कर देगा टर्बो, जैसे ही आपको एक बूस्ट देगा तब आपको मजा आएगा गाड़ी ड्राइव करने में। थोड़ी सी बात करते हैं सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन मुझे इसका काफी अच्छा लगा। ज्यादा सॉफ्ट सस्पेंशन नहीं है, सेडान है, अगर ज्यादा सॉफ्ट सस्पेंशन यहाँ पे दिया जाएगा तो वही है कि बबलिंग तो नहीं होगी, क्योंकि सेडान है, उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, वो कहीं ना कहीं स्टेबल रहती है क्योंकि हाइट कम होती है। लेकिन हाँ, मैं सस्पेंशन जरूर कहूंगा कि ज्यादा सॉफ्ट नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा स्टेयरिंग रिस्पॉन्स की अगर मैं बात करूँ तो मुझे स्टेयरिंग इसका पसंद आया, ज्यादा हार्ड नहीं है स्टेयरिंग भी, ह्यूंडई की तरह ऑब्वियसली ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं बनाती है। मारुति सुजुकी का हमेशा से यही इंप्रेशन पड़ता है लोगों का स्टेयरिंग को लेके, क्योंकि वो ना ज़्यादा सॉफ्ट बनाती है ना ज़्यादा हार्ड स्टेयरिंग बनाती है, उनकी स्टेयरिंग परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होती है। तो EPS हालांकि गाड़ी में लगा हुआ है, तो स्टेयरिंग परफॉर्मेंस के मामले में मुझे गाड़ी अच्छी लगी। गाड़ी की रोड प्रेजेंस काफ़ी अच्छी है, स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, गाड़ी ज़्यादा हिलती नहीं है, गाड़ी में बबलिंग नहीं आती है। अभी भी मैं 120 किलोमीटर की स्पीड पर चला रहा हूँ, हालांकि बहुत ज़्यादा है ये स्पीड। सो गाइज ये थी एक कंप्लीट रिव्यूइंग वीडियो सियाज की टॉप एंड की, ये डीजल वेरिएंट मैंने चलाया था, आपको बताया था इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे कीजिए लाइक, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल पे अगर आप हो मेरे चैनल पे नए तो, और मैं आने वाले टाइम में कुछ ऐसी ही वीडियोस बनाता रहूंगा, तो वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। एक चीज और मैं आप ही को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ कि मैं अब रोज एक नई वीडियो के साथ में आता हूँ, सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपको चाहिए एक डेली डोज ऑफ ऑटोमोबाइल। अंटिल फॉर द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार, ड्राइव सेफ और सीट बेल्ट पहन के चलें। बाय बाय।